हर बार स्वतंत्र दिवस आते ही दर्द उभर आता है। ये दर्द है विभाजन का, अपना सब कुछ छूट जाने का और सारी खुशियां लूट जाने का। 15 अगस्त 1947 को आजादी का तराना पूरे देश में गूंजा। वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष जन जन को पुलकित कर रहा था, लेकिन इस खुशनुमा घड़ी में देश दो टुकड़ों में बढ़ गया। इसके बाद मचे दंगे में इन लोगों का घर बार सब छूट गया। दंगों में अपनों को खोना पड़ा और पूरी जिंदगी खत्म ना होने वाला जख्म मिल गया। पाकिस्तान में अपना घर बार छोड़कर आने वालों की आंखें स्वतंत्रता दिवस पर नम हो जाती हैं। विभाजन में अपने रक्त से भारत माँ का अभिषेक करने वाले हिंदू मुस्लिम और सिख परिवार बंटवारे में बट गए। मारकाट मच गई, खून का दरिया बहा और लाशों का ढेर लग गया। विभाजन के मचे दंगे की विभीषिका ने भारत माता का आंचल भी छलनी कर दिया। मौत की डगर पर तय किया था जिंदगी का सफर। अमृतसर के इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों ने इस तकलीफ को बहुत नजदीक से देखा। पूर्व कौर के मुताबिक तब वह महज 14 साल की थी। वे बताती हैं कि पाकिस्तान के गांव जोधू में घरबार था। खुशहाल परिवार में 3 भाई बहन थे। 15 अगस्त 1947 को कुछ समय पहले कुछ लोग उनके गांव आए और औरतों को उठाने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के कुछ दोस्त मुसलमान थे जिन्होंने नसीहत दी कि वे यहां से फौरन निकल जाएं। इसके बाद उपद्रवियों ने हमारी कपड़ों की दुकान में आग लगा दी और घर पर पत्थर फेंके। तो वही महेंद्र कौर बताती हैं कि मजबूरी में उन्हें बाहर निकलना पड़ा। हर राह पर मौत मंडरा रही थी। लोग बदवास से इधर उधर भाग रहे थे। जहाँ भी जाते उपद्रवी तलवारें लेकर पीछे पड़ जाते। मीलों दौड़ने के बाद हमें नहीं पता हम कैसे अमृतसर पहुंचे। ये खौफनाक मंजर आज भी आंखों में सामने आ जाता है। जब जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है हमारी आंखें नम हो जाती हैं। जायदाद बहुत सी, तेन पता है घर पिंड बतेरी जायदाद होंगी है। हाँ, 5-7 जी साडे कमाण वाले हैं, जायदाद बतेरी। 8-10 तो डंगर सन, सोए घर लवेरे सन, कुकड़ियाँ गां सन, बथेरा सब समान होंदा घर का। सारे छड़ छुट के आ गए, भौगी नहीं ले। साढ़े मैं तो पुत्र 100 साल में उपड़ गई दी। मैं अपड़ गई 100 साल। मैं उदों 9 साल का हैगी सर जिदर मैं आई हूँ 9 साल वाली। मैनू पछक दी हूँ लै जाओ, जे मेरी अखा हो तो मैं तुम अपने पेंड शहर भी दसा। माता जी सरकार वालों इधर जो आए तो कोई सहूलत मिली? कोई सहूलत नहीं अज तोड़ी मिली। तुहानू कहा भी कल सानू सहूलत मिली नहीं। जे सानू उधरों नहीं ना मिली, साड़ी चल ज्यादा सी, सानू ओह ही कुछ दे छड़ दे, वह भी नहीं दिती। इधर भी आन के साडा हुण भी इहो हाल है। तैनू कल भी दस्या ही पर पुत्तर साही सैट होए नहीं है, तो बच्चे नहीं आने हैं, तो सैट कित्थे होना ही। इधर भी काम कार तैनू पता ही है, पढ़े लिखे बच्चे नू काम कार मिलता, सानू कित्थों मिलना ही। महेंद्र कौर का हर आंसू विभाजन की त्रासदी का गवाही देता है। तब वह सिर्फ 9 साल की थी। वह बताती हैं कि गांव के कुल 85 लोगों के साथ हम गांव छोड़कर जा रहे थे। अचानक उपद्रवी टूट पड़े, सब बिखर गए। मेरे पिता को उपद्रवियों ने मेरे सामने ही तलवारों से काट दिया। मेरी बहन और भाई मुझे पकड़कर किसी तरह से भागे और जान बची। पिता का साया सिर से उठ गया और मैं उनके अंतिम दर्शन तक ना कर सकी। असी जिस पिंड दे विच रहिंदे सां ना, उत्थे चौधरी सी जी एक मुसलमान, असलम करके उहदा नाम सी। पिंड दा नाम की सी? पिंड दा नाम झूरकोटली सी। अच्छा जी। जिला सियालकोट, पिंड झूरकोटली। माहौल उत्थे इस तरह का सजे भाई। एक तो मैं तुहानू जानकारी वास्ते ये गल दसा भी यह जड़ा साडा इत्थे दा इलाका है ना, आ 22 नंबर फाटक जड़ा पैंदा, इत्थे दो गड्डियां जड़ियां ने वड्डियां गईयां, जिथों माहौल आ ये विगड़िया। उस तो बाद मुसलमानां ने भी उधर ये वड्ड टुक जड़ी शुरू की। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शी 86 साल की पूरन चंद के चेहरे की झुर्रियों में विभाजन का दर्द साफ झलकता है। अतीत की स्मृतियों में खोते की उनकी आंखों में अश्रुधारा निकलती है। पाकिस्तान के गांव झंग में जन्मे
पूनचंद बताते हैं, दंगा फैलने पर मुस्लिम दोस्तों ने गांव छोड़कर जाने की सलाह दी। गांव से 4 किलोमीटर दूर स्थित नहर के किनारे पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर ठिठक गया। पूनचंद कहते हैं, नहर में सैकड़ों लाशें पड़ी थी, पानी का रंग लाल हो चुका था। मैं समझ गया कि अगर यहां से ना निकले तो पूरा परिवार उपद्रवियों की हिंसा का शिकार बन जाएगा। हम पैदल ही आगे बढ़ते गए। रास्ते में सेना के जवान मिले जो हमें सुरक्षित भारत ले आए। अमृतसर से न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।